बड़ा सुंदर है। सभी लोग माँ के दरबार में जाते हैं, लेकिन एक भक्त माँ के दरबार में गया है और क्या मांग रहा है, कोई महल मांगता है कोई भजन सबको गाना है। मेरी मैया मुझे चरणों की बस चलता है, क्योंकि मेरी माँ की दुआ का खजाना कभी कम नहीं होता। हमारी बड़ी प्यारी प्यारी बहनें बैठी हैं, बहुत जोरदार ताली आप सबकी है, आपने साबित कर दिया आज जितना तेज आप झगड़ा करती उतना तेज आप ताली हो जाती है। तो बार हमारी बहनों के लिए तालियां दस हो जाए, तालियां सबके लिए होनी चाहिए। और दोनों हाथ उठा के मेरे साथ साथ गाना सबको, दोनों हाथ उठा के मेरी मैया मुझे चरणों की बस। शादी नहीं हुआ इसलिए हम लोग नचा रहे हैं, अगर शादी जिस दिन हो गया तो कोई दूसरा ही नचाएगा। सबसे बड़ी समस्या है गठिया रोग, लोग ठंडा पानी फ्रिज का पी करके अपने बॉडी को खराब कर ले रहे हैं, इसलिए जब भी जी चाहे तेरा दर्शन करने आ जाओ, तेरा दर्शन करने आ जाओ। करता रहूं गुणगान इतना लोल दे, बस सहूल दे रे। Thank you.
भैया हो का नाम स्कूल में जाना दूसरे की पेन कापी को चुराना तो बच्चों के संग बच्चा होना कितना अच्छा लगता है बच्चों की बात हो गई लेकिन भक्त कह रहा है जब से शेरा वाली से गाइए ऐसा ही सबसे यहां बिठा रहा है हम अगर बारी आई तो जब से शेरा वाली से सभी लोग आएंगे जय जय से माता बहन भी गाएंगे और बच्चे भी गाएंगे जब से शेरा वाली से सीता जब से शेरा वाली से सीता कि जब से शेरा वाली से सीता आना पड़ेगा ताली तो बजा सकते हो ना ताली नहीं तो इधर संसद में आइए क्यों कमेटी के अध्यक्ष ने आप लोगों को पेनाल्टी नहीं लगाया पड़ेगा फोटो आ जाएगा 500 रुपया भरना पड़ेगा आ जाओ कैमरा वाले भैया दोनों हाथ से उठाइए तो सभी लोग मेरा हाथ दोनों हाथ उठा के भैया एक बार इधर 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 कैमरामैन वही बनता है जिसको बचपन से दूसरे घर में ताक झांक करने की आदत होती है इसलिए भैया के लिए भी तालियां बजती रहे और साथ साथ जब से शेरा वाली से और प्यारा शास्त्रीवाद हमारे नित्या बाबू की तरफ से नित्या विश्वकर्मा की तरफ से बस बाबू ताली आप लोग ऐसे बजाते रहे बस क्योंकि जब से चरणों में शीश झुकाया दिया से रानी ने तो समाया सहस समरिया का उद्धार हो गया सपना सपना छोटे छोटे बच्चे भी कहेंगे कि जरा मैया
सुनने वाले भैया थोड़ा सा आप लोग भी हिल बोल लीजिए, क्योंकि गोली आर के पार चली जाएगी और ज्यादा घिसने से तलवार की धार चली जाएगी। आप लोग मेरा साथ दीजिए कि बेटा एक किलो रुई और एक किलो लोहा में कौन सा भारी पड़ेगा। तो ये बच्चा यहाँ का उत्तर दिया अभी 10 मिनट पहले, बोला कि समरिया जी लोहा भारी पड़ेगा। तो हमने कहा कि बेटा एक बात बताओ, जब एक किलो रुई है एक किलो लोहा है तो भारी कहाँ से होगा। बोला समरिया जी आप मुझे एक किलो रुई फेंक के मारिए और मैं आपको एक किलो लोहा फेंक के मारता हूँ, पता चल जाएगा। तो एक बार बच्चों के लिए जो आप तालियां हो जाए, लेकिन मैं भैया के लिए बोल रहा था कि गोली आर के पार चली जाएगी और ज्यादा घिसने से तलवार की धार चली जाएगी। अगर कुर्सी पे बैठ के ताली नहीं बजाएंगे तो सबसे पता है एक झटके में पूरी सरकार चली जाएगी। जोरदार तालियां लगा, क्या बात है। मत कराना कि जिसको दुनिया ने ठुकराया उसको तूने बनाया। तो दुनिया से हारा मा तेरा सहारा मा, हमारी छोटी छोटी बहनें भी गाएंगे कि सोरा वाली मैया न भूल मड़ई में बैठ गए तनिक गमछा हिला था कि सोरा वाली मैया न भूल नहीं। अच्छा जो ये जो छोटी कॉलोनी है इधर, ये बहुत ज्यादा उत्साही है। अगर हमारी बहनें माताएं तो मान लीजिए भाई इनका कोई जोड़ नहीं है, लेकिन माताएं बहने दोनों हाथ उठा के अब यही कहना है, अब यही कब तक कहना है, जब तक अगला ना रात फिर न आ जाए तब तक यही कहना कि शेरा वाली मैया आना बोल नहीं जाना रे। जागरण की रात है आया नवरात है, गीत याद हो गया ना। अगर नहीं याद होगा तो सहाय सहारिया सर्च करके फिर तो सुन लेना बीबी म्यूजिक कंपनी पे कि जागरण की रात है आया नवरात है और सबका उठा हाथ है। बता रहा हूं हम लोग 7 तारीख से जागरण कर रहे हैं, लेकिन जितना उत्साह जितनी लगन जितना प्रेम आज यहां बरस रहा है माता रानी की कृपा और सबसे हमेशा बरसती रहे। भैया हाथ बांध के मत खड़ा हो, नहीं तो हमारे बीपी बढ़ जाए, हम टेंशन हो जाए लेकिन अगला का सोचे तो समझ में आवत हो भाषा की ना समझ में आवत हो। तो हमारा एकदम मस्त रहा जहां रहा, क्योंकि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, पसीने की तरह पूजा गरीबी भाग जाएगी। थोड़ा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी, पसीने की तरह पूजा गरीबी भाग जाएगी, थोड़ा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। हंसते मुस्कुराते रहेंगे पड़ोसन भी हाल चाल पूछेगी, वरना भाई साहब साथ छोड़ के बीबी भाग जाएगी, क्योंकि मायूस आदमी साथ कोई रहना। इसलिए सहाय सहारिया का फरमान है संदेश है कि आप सबके लिए भैया दिले कर दो, आप सबके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं और खुद राजस्थान का बंजर हो गया हूं फूल खुशबू के लाया हूं। आप सबके लिए
चंद कतरे में होके लाया हूँ, खुद राजस्थान का बंजर हो गया हूँ, फूल खुशबू के लाया हूँ, आप सबको तालियां बजानी ही पड़ेंगी। मैं घर से अपनी पत्नी का पांव छू के आया हूँ। देहरा भैया स्किल दे रहा, स्किल दे रहा। अरे मैया तेरा जग है दीवाना। आज देखिए चार पांच घंटे यही करना है, हाथ उठाना है ताली बजाना है, हाथ उठाना है ताली बजाना है, और जो ये रात भर कर लेगा मेरी गारंटी है 350 ग्राम वजन कम हो जाएगा। क्योंकि मोटापा हमारे शरीर की, हमारे जीवन की सबसे बड़ी बीमारी है। इसलिए कि मैया तेरा जग है दीवाना। हमारे जो छोटे छोटे भाई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी छोटी छोटी बहनें हैं, बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि आधा से ज्यादा एनर्जी ये लोग दे रहे हैं, लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। और सबको कहना है कि मैया तेरा जग है दीवाना और तेरे चरणों में सबका है। क्या बात है, जोरदार तालियां आ जाती है बच्चों के लिए। बहुत आगे बच्चे जाएंगे यहाँ के। सीवन बड़ा अच्छा गांव इस नाम का है, नाम गांव का नाम बड़ा अच्छा है, सीवन गांव। पीछे मत दिखाई दे रही तो मैया तेरा सच है दीवाना। तालियां बजती रहे।